तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? कैसे ठीक हो सकती हूँ? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। क्या सोचकर ये सब कुछ किया था तुमने? क्या मतलब, क्या बोल रही हो मेरी जान? सब कुछ तो ठीक हो गया था, सब कुछ संभाल लिया था। क्या सब कुछ संभाल लिया था? तुम तो मर गए थे, जली हुई बॉडी आइडेंटिफाई मैंने की। मेरी जान और क्या चाहिए अगर जान छूट रही हो उनसे? समझ में आई बात? मैंने जो कुछ भी किया नेहा से पीछा छुड़वाने के लिए किया। अब वो वैसे मुल्क से बाहर चली जाएगी और हर चीज जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। क्या शिराज भी यही सच समझेगा? अपने बाबा के बगैर रहेगा? बैठ जाओ प्लीज। शिराज अपने बाप के बगैर रहे मैं भी नहीं चाहता, समझ गई? जो भी अभी हो रहा है उसकी वजह मैं नहीं हूं, नेहा है, सुन रही हो? उसने मजबूर किया मुझे। बता दो और क्या करता मैं? खैर जो भी हुआ ठीक हुआ है। वो लोग अब चले जाएंगे यहाँ से, अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है वहां, मैं उससे रابطे में रहूंगा। वो शिराज की बीमारी के बारे में भी जानता है, नजर रखेगा, वो इन्फॉर्म करेगा। परेशान नहीं हो तुम तो? शिराज सोचेगा कि उसके बाबा मर गए हैं। तो क्या करता मैं, हाँ उन लोगों के साथ अमेरिका चला जाऊं क्या? क्या कर लूं मैं? ऐसा बेहुदा प्लान बनाने से पहले मुझसे पूछ सकते थे ना, अब आगे क्या होगा? हाँ मैं एक ऐसे शख्स की बीवी हूँ जो कि है ही नहीं। हाँ क्या जिंदगी भर तुम उनसे छुप कर रहोगे? और इस सिचुएशन में तो तुम डॉक्टर भी नहीं रह सकते। कोई हल निकाल लेंगे मेरी जान, इसका हल निकाल लेंगे। परेशान क्यों हो रही हो ऐसे? कुछ तो सोचा ही होगा ना मैंने। कुछ दिन में न्यू आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, बता दूंगा मैं हर चीज शहराज को भी। लेकिन अभी सही वक्त नहीं है मेरी जान। वहाँ एक दोस्त है, बताया तो है तुम्हें, उससे खबर मिलती रहेगी शिराज की। हाँ और ये सब कुछ इतना आसान है? तुमने तो मुझसे मेरी ख्वाहिश पूछी थी ना, तो इस तरह से ख्वाहिश पूरी करोगे? बहुत शुक्रिया तुम्हारा बासत, सच में मान गई मैं तुम्हें। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुम मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हो इन मामलात में। हाँ। तुम्हें लगता है तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बोलती जा रही है। बस बात को समझने की कोशिश करो, मसला क्या है तुम्हारा? नहीं समझ सकती हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी का पहला दिन है। नॉर्मल कपल्स की तरह खुश रहना चाहती थी, मगर तुमने मुझे इस उलझन में फंसा दिया। अब कैसे साथ दूं मैं तुम्हारा? मौत का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और भी तो कुछ सोच सकते थे। मोहब्बत की खातिर सबकी नजरों में मर गया, हाँ गलत किया। हाँ हद है, क्या हद है? हाँ अच्छा बात सुनो मेरी, आराम से आराम से। जरा सोचो मेरी डेड बॉडी वहां रखी हुई होती, सब लोग वहां होते, रो रहे होते, क्या करती? शुक्र करो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जिंदा हूँ। कैसा लग रहा है? सच में ही पागल हो गया है ये शख्स, खुदा माफ करे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान गई? हाँ तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी बेवकूफाना बातों में आऊंगी मैं। थोड़ा सा बिजी फील कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? बासित प्लीज अब चुप हो जाओ तुम। याले आपा क्या कर रही हैं? कॉल कीजिए ना बासित को, अभी तक आए क्यों नहीं वो लोग? तुम्हें लग रहा है मैं गेम खेल रही हूँ क्या? कब से तो फोन कर रही हूँ उन्हें, हद होती है। हाँ आगे शायद वही होंगे इंशाल्लाह। हाय जमील, जमील कह दो कि तुम यहाँ पे फिजा को अरेस्ट करने नहीं आए। हरगिज हरगिज ऐसा ना करना जमील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जमील। नहीं नहीं नहीं, क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ आओ, आ जाओ अंदर। क्या हुआ जमील? क्या हुआ? गुड इवनिंग जमील। बासित ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी, यही बताने आए ना आप? मेरा एक दोस्त आया था पुलिस स्टेशन मुझसे मिलने के लिए, तो उसने मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में बताया। एक काली गाड़ी काफी तेज रफ्तार में जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट हुआ है बासित का? ऐसा नहीं हो सकता, बात तो सुन लो उसकी पहले। गाड़ी टकरा कर तबाह हो गई और उसमें आग लग गई और पूरी गाड़ी चल गई। सच कहूँ तो पूरी गाड़ी तबाह हो गई। वो बच गए होंगे? अरे यार तुम लोग जानते नहीं हो उसे क्या, वो हमेशा गायब होकर वापस आ जाता है, फिर वापस आ जाएगा देख लेना। बात सुने मेरी, हमने बासित को खो दिया है। क्या? क्या नहीं हो सकता। बासित अब हमारे बीच में नहीं रहा। नहीं ये सच नहीं हो सकता, नहीं बासित को कुछ नहीं हो सकता समरा, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो तुम? फिजा 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 तो पागल हो जाएगी जमील, कह तो कहीं झूठ है, जमील ये झूठ है। भाई फखरी संभाल खुद को, हाँ
तुरान, तुरान को कॉल करनी होगी मुझे ताकि तुरान नहीं फोन उठाओ। क्या तो समरा संभालो खुद को। अरे यार अब ये क्यों कॉल कर रही है मुझे? बोलो याले क्या हुआ? हेलो हेलो तुरान, तुम कहां पर हो इस वक्त? फिजा कहां है? कैसी है फिजा? यार याले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रही हो इतना? यार तुरान, जमीला है यहाँ पर और इसने बताया कि बासित का एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं रहा इस दुनिया में, ऐसा कैसे हो सकता है? यार याले ये तुम क्या कह रही हो? किसने बताया तुम्हें? अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है? यार इतनी जल्दी कैसे चला गया वो? याले तुम रो क्यों रही हो इतना? संभालो खुद को। अल्लाह हाफिज। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करेंगे, क्या सारी जिंदगी यहीं पर छुप कर रहेंगे? या मुझे अपने घर वापस जाना होगा एक बेवा औरत की तरह? नो, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। नेहा के चले जाते ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो छुप कर रहोगे तुम वहाँ? न्यू आईडी मिल जाने तक। रुको एक मिनट। हाँ तुरान, आ जाओ। यार बासित, तुम्हारे मरने की खबर तो जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। जमील को ये खबर मालूम हो गई और उसने घर पे जाके सबको बता दिया। क्या कह रहे हो? क्या मेरे घर वालों को भी ये पता है? यार मुझे तो ऐसे ही लगता है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि जमील वहाँ पर मौजूद था। तुरान भाई घर चलते हैं और जाकर सबको सच बताते हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है। रुक जाओ फिजा, रुक जाओ। बात सुनो मेरी, मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि घर वाले इस चीज को लेकर परेशान हो, लेकिन नेहा के जाने से पहले प्लीज किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ, प्लीज, वरना प्लान बर्बाद हो जाएगा हमारा। क्या मतलब है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो परेशान रहे। मेरी जाने की दिन की तो बात है, जैसी नेहा जाएगी मैं खुद संभाल लूंगा। मैं अपने बहन भाइयों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हटो यहाँ। रुक जाओ, क्या करने की कोशिश कर रही हो फिजा? इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने और तुम क्या करना चाह रही हो? इतना बड़ा रिस्क है, मुझसे पूछ कर लिया था तुमने। अपना प्लान बनाते हुए तुमने नहीं पूछा मुझसे, तो अब मैं भी नहीं पूछूंगी। मैं भी वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा, समझे? और इस वक्त मुझे यही सही लग रहा है। हटो। आखिर करना क्या चाहती हो, जरा बताओ तो सही। मुझे जो भी मैं करूंगी। फिजा 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 बात सुनो मेरी, क्या करना चाहती है ये? सिर्फ यही मसला है कि सुनती नहीं है मुझे। प्लीज मेरी जान, रो क्यों रही हो तुम? यार तुरान हटो और प्लीज कहीं और जाके बैठ जाओ तुम, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे। आपा, आपका मतलब है कि वो नहीं मरे, वो जिंदा है ना? बेटा वो बिल्कुल जिंदा है, बस उसको पेपर में मारा गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, समझे? और तुम लोग मुझे चालबाज कहते हो, उसकी हरकतें जरा देखो, मरता है फिर जिंदा हो जाता है, इस बार भी वही किया उसने। बाबा शुगर करे कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जब वो सब लोगों के लिए मर चुका है तो वापस कैसे आएगा, और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में कि कहां से आ गया? और हाँ, अगर उसे किसी जानने वाले ने देख के पहचान लिया तो हमारा तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ सही कहा, बासित के साथ मिलकर तो तुरान भाई ने ही बनाया है ये जबरदस्त प्लान। तो फिर बताएं इसके बारे में क्या सोचा था? हद होती है तुरान, तुमने ये प्लान बनाया और प्लान बी कह रहे हो तुम इसे? शादी के दूसरे दिन तुमने मेरी दोस्त को बेवा कर दिया और तुम इसको प्लान कह रहे हो, क्या बकवास बात है ये? बकवास कहना काफी नहीं होगा, बेहद घटिया प्लान था तुम्हारा तुरान। मुझे वाकई नहीं पता कि मेरा दामाद जिंदा भी है या मर गया, और मेरी बेटी शादीशुदा है या बेवा। बस ठीक है ना यार, और कितनी बातें सुनाओगे तुम लोग मुझे? यार मैं मानता हूँ ये हरकत बहुत गलत की है हमने, हाँ, लेकिन फिजा को बचाने के लिए ये करना जरूरी था, और हमारे पास तो कोई रास्ता भी नहीं था तो हम क्या करते? अरे वो कोई हमेशा के लिए थोड़ी मरा है। एक बात बताऊं, मैं मेरे जो दूसरे शौहर थे ना, वो फेक आईडीज बनाया करते थे, तो मैं फिकर करने की जरूरत नहीं, वो उसके लिए भी एक आईडी बना देंगे। और हाँ, फिर तुम उसी आदमी से दोबारा शादी कर सकती हो, यानी जो तुम्हारा रिश्ता है वो बरकरार रहेगा। इसका मतलब उसी शख्स से मेरी बेटी दोबारा शादी करेगी और खर्चा मैं उठाऊंगा? हाँ। क्या बकवास। तो आपने उठाया था खर्चा सारा शादी का? मैं क्यों खर्चा करूंगा, दामाद खुद खर्चा उठाएगा। हाँ? मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, दामाद मेरा काबिल है, वो खर्चा करेगा। इस दौर में इतना अच्छा दामाद मिला है, वो तमाम चीजों का ख्याल खुद ही रख लेगा, मुझे भी खिलाएगा पिलाएगा, मैं क्यों फिक्र करूंगा। खैर अच्छा, अब सब बात सुनो, मैंने ये सच सिर्फ इसलिए बताया कि कोई परेशान ना हो, ठीक है? लेकिन अभी तो हमें इस बेहुदा प्लान में साथ देना होगा इनका, यानी बासित के इस मसले का हल निकालने तक हमें ऐसे ही रहना होगा कि जैसे वो नहीं रहा।
बाकी सब कुछ वो खुद ही संभाल लेगा, हमें सिर्फ ये ड्रामा करना है, समझ गए? आपा, ये क्या करने को कह रही हैं आप? ये खेल खेलने की उसे क्या जरूरत थी आखिर? और अब उसके इस खेल के लिए हम सबको झूठ बोलना पड़ेगा? हाँ, तुमने तो कभी झूठ नहीं बोला, शादी छुपकर की थी ना तुमने भी, तुम्हें ये सब करते हुए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और इस दफा तुम ये वास्त के लिए करोगे, इसलिए अब हम सब ध्यान रखेंगे कि सबको उसकी मौत का यकीन हो जाए, इसी तरह हम उसका साथ दे सकते। मैं उसके इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा आपा, बहुत बेवकूफ बना लिया उसने, उसकी वजह से हमें कौन कौन सी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी, याद नहीं है क्या आप सबको? अब तक सिर्फ उसे आपकी वजह से बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मजीद उसके झूठ का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं। हिकमत, आराम से बात करो। आराम से ही तो बात कर रहा हूँ मैं, किसी के सर पे डंडा थोड़ी मारा है मैंने। हिकमत, किस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सीधा मुझसे कहो क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या करें हम? मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ आपा, कुछ भी नहीं, आप लोगों का जो जी चाहता है वो करें, लेकिन मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। रहमत, जाने दो उसे, अगर ये जाना चाहता है। दिमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। चला गया है। उफ, मैंने एक और जरूरी बात ही बतानी थी तुम लोगों को। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैंने भी एक फैसला लिया है, ठीक है? यानी अब मैं समझ गई हूं कि दूसरों के लिए नहीं जीना है अब मुझे, क्योंकि इस घर में हर शख्स वही करता है जो उसका दिल चाहता है। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं अपने लिए कुछ करूंगी, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे इसमें सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट करें आपा? बात यह है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पहले हाई स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी। पार्ट टाइम में मैं अपना काम भी करती रहूंगी साथ में। सुपर मैं तो डर रही थी कि कैसे। बहुत बहादुर फिजा, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, वाकई ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात। सच में तो मैं हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए। पढ़ाई का खर्चा भी आप जानती हैं, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, छोटी बात। तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? जब भी हमें ऐसा एहसास होता है कि तुम बड़े हो चुके हो, उसी लम्हे तुम कुछ ना कुछ स्टूपिड करते हो, जिससे ये साबित होता है कि तुम अभी तक बच्चे हो एक छोटे से। मुझ पर तनकीद करने से बेहतर होगा पहले खुद को देख लो जरा। अरे यार, मैंने कभी ये बोला कि मैं परफेक्ट हूँ और तुम बहुत ही बुरे हो? हम सभी थोड़े थोड़े स्टूपिड हैं यार, याद है तुम मेरी मदद के लिए आए थे? तो अब मेरी बारी है हिकमत, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें आखिर बासित से प्रॉब्लम क्या है जब सब राजी। खुदा के लिए अब तुम दोबारा से शुरू मत हो जाना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, समझ गए तुम? और जिस किस्म की इमेच्योर हरकतें तुम करते हो, उसके बाद लगता है तुम्हें कि इस तरह से तुम कोई भी मसला हल कर पाओगे? बोलो। ठीक है, सही कह रहे हो तुम, मुझे कुछ नहीं करना, कोई भी मसला हल नहीं करना मुझको, और अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना सबको, तो मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर जो जी में आया करना सब। क्या बेवकूफाना बात है यार। आपा दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर रही है। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ वाकई, और उनका ये फैसला सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। काश ये फैसला उन्होंने बहुत पहले कर लिया होता और तुम बेवकूफों की तरह घर से नहीं निकले होते, तो मुझे यहाँ पर आकर इस सर्द मौसम में तुम्हें ये बात बतानी नहीं पड़ती। तुम्हें अभी भी लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, और जो बातचीत कर रहा है वो सब ठीक है क्या? हिकमत, अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इस बात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त ये है कि हमारी बहन ने पहली दफा अपने लिए कुछ करने का सोचा है। एक मत ये सोचो, तो अब हमारा वक्त है उनको सपोर्ट करने का, समझो इस बात को। चलो यार, अब खुदा के लिए उठ जाओ, इतने सर्द मौसम में तुम समंदर के किनारे आके बैठ गए हो, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगे। भाई, आपा से बहुत प्यार करता हूं मैं, जान भी दे सकता हूं उनके लिए, लेकिन वो बासित, नफरत है मुझे उससे। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें बासित से नफरत है, अभी तो चलो, बस आपा को अपने रवैये से तंग मत करो। क्या तुम यहाँ वापस आ गई हो? मेरा मतलब, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या तुमने बासित का घर छोड़ दिया है? और इन हालात में तुम बासित से कैसे मिलोगी? हाँ हेलो, कैसी हो फिजा? क्या लगता है कि कैसी होंगी मैं बासित? अच्छा खैर, कैसे हैं घर वाले? सब ठीक है, मसला तो नहीं है ना कोई? मिनी बॉस ठीक है? हिकमत चला गया है घर से।
हिकमत घर से चला गया है और जब मैं घर आई थी तो ये सब रो रहे थे तुम्हारे लिए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मेरी जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बहुत नाराज हो मुझसे। बस एक आध दिन की बात है, वक्ती नाराजगी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखो। अच्छा वाकई, लेकिन कैसे होगा ये? अच्छा सवाल है, बताता हूँ। कल तुम मेरे जनाजे पर जाओगी, ऐसा ही, फिर तुम वहाँ एक कब्र पे मेरा नाम देखोगी, आसपास सब लोग रो रहे होंगे, अफसरदा होंगे मेरे बारे में सोच सोच के, यही सोचोगी ना कि काश ये सच ना होता। जब तुम्हें पता है कि वाकई सच नहीं है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बासित, किसी भी मजाक की एक हद होती है, उस जनाजे में मैं शामिल नहीं होने वाली। बात सुनो मेरी, मसला क्या है तुम्हारा? नेहा वहाँ आएगी और तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए, कह रहा हूँ मैं तुमसे, सुन लिया? जाना है या नहीं ये तुम नहीं बता। हाँ, जो दिल में करना, ठीक है। मत जाना, मत जाना। कितना साथ दे रही हो तुम मेरा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे अदा करना है तुम्हारा। मैं तो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे इस एडवेंचर में डाल दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिजल, हद है, क्या दिमाग है इसका यार। यार वो करने की कोशिश क्या कर रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या अपने शौहर के जनाजे पर भी नहीं आएगी? समरा उससे बात करो। मैंने बात करके देख लिया है, नहीं जाना चाहती है वो, और अगर देखा जाए तो वो सही कह रही है, बहुत गलत किया है इन लोगों ने। मैं जा रहा हूँ। रुको रुको रुको, नाश्ता तो कर लो। आए बेवकूफ लड़की, छोड़ दो उसको उसके हाल पर, भूखा रहना चाहता रहने दो। तो क्या रहा, फिजा आ रही है ना हमारे साथ? अरे यार तुम बहुत बोलते हो, अगर वो नहीं आना चाहती तो नहीं आएगी, रहने दो उसे। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो आप बताइए, हम वही करते हैं बाबा। फिजा तुम आ रही हो ना हमारे साथ, दोपहर में जनाजा है उसका, फिर तुम फ्री हो जाओगी। नहीं मैं जनाजे में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि पहले हाई स्कूल जाना है मैंने, और उसके बाद जॉब के लिए भी जाना है मुझे। यार तुम तो बहुत ही जिद्दी लड़की हो, जाना चाहिए तुम्हें। तुरान भाई मैं आऊँ क्या आपके साथ? आ जाओ बेटा आ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो? अपना कोट पहनो ताकि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊँ। मुझे यूनिवर्सिटी में काम है और फ्यूनरल से पहले मैं चाहता हूँ कि वो काम निपटा कर आ जाओ। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। चलो हम कह देंगे फिजा आपा की तबीयत ठीक नहीं, वो घर पर है, इस तरह किसी को शक नहीं होगा। बात तो सही है, हमें उसे बताना चाहिए। बस वो औरत यहाँ से जल्दी से चली जाए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। चलो आप। और अगर वो गई ही नहीं तो? इसका मतलब एक बार फिर हम नई मुसीबत में फंस गए। नाकारा लोगों का यही मसला होता है, फजूल प्लान बनाते हैं। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई प्लान है तो पता है क्यों नहीं फकरी भाई, क्यों चुप बैठे रहे इस तरह? चलो। बिल्कुल सही कहा उसने, पहले वो करो जिसका वादा किया है मुझसे। उस पूल वाले घर का क्या हुआ हुँ? अब उस घर को लेकर बहस शुरू मत करो यार, सर्दियों का मौसम है, क्या करोगी तुम पूल का, उसमें जाकर जम जाओगी यार। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें इससे क्या अगर मैं जमूं या कुछ भी करूं, मुझे उधर ही स्विमिंग करनी है। जम जाओगी कह रहा हूँ ना, बुरे तरीके से जम जाओगी। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरे इम्तिहान खत्म हो जाने चाहिए? अहमद यार, यार मुझे एक जनाजा अटेंड करने जाना। क्या, किसके? ये नहीं मालूम। क्या क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता? लंबी कहानी है दिया, तुम इसको छोड़ो। कुछ तो बताओ यार, तुम्हें मैं आज यूनिवर्सिटी क्यों आई हूँ रहमत? यार बस मुझे 5 मिनट के लिए एक जनाजा अटेंड करना है, उसके बाद मैं वहां से निकल कर मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम्हारे बाबा से भी मिल लूंगी। बाबा से अब तुम नहीं मिल सकती हो दिया, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं रहते। क्या कहा? तो फिर हमने जो तुम्हारे घर के लिए ड्रामा किया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर पूल नहीं है। क्या? आज मैं मिलता हूँ। ओके सी यू। मेरा दोस्त, अरे बासी, अरे मेरा दोस्त, क्यों छोड़ के चले गए हमें? आराम से रख दो इसे यहाँ। आराम से रखो। याले तुम भी तो रो ना। मुझे ये ड्रामे करना नहीं आते। हालात को समझने की कोशिश करो, सब देख रहे हैं। मुझे रोना आ ही नहीं रहा तो क्या करूं? यार तौरान मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता, इस आदमी के साथ मेरे ताल्लुकात कभी ठीक नहीं रहे और आज ये हमें छोड़ के चला गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। संभालो हमने आपको जमीन, सब्र रखो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। उठाओ उठाओ
आराम से उठ आराम से आराम से। फिजा साहिबा कहाँ है, वो नहीं आई? हाय फिजा, आपा की तो बहुत ही तबीयत खराब है, उन्हें तो होश तक नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिम्मत दे ये सब कुछ सहने के लिए। या अल्लाह सबर देना उस बच्ची को, सबर देना। उसका शोहर बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, चला गया, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। इतनी छोटी सी उम्र में वो बेवा हो गई, या अल्लाह उसे सबर देना। अरे 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 अरे, संभाले 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 खुद को यार, इतना ड्रामा भी अच्छा नहीं होता। हम उस इंसान के जनाजे पर है जो मरा ही नहीं है। यौले खामोश हो जाओ, चुप चुप हो जाओ। रोने की बात कर रही हूँ, मुझे हंसी आने वाली है किसी भी वक्त। यौले कैसी बातें कर रही हो, चुप रहो। इधर आओ जल्दी। जानता हूँ मैं ये जाली जनाजा है, लेकिन मेरा दिल अंदर से रो रहा है, क्या करूँ। हाय फकरी भाई, प्लीज चुप कर जाए आप, वरना मेरी तो हंसी निकल जाएगी। अरे यौले, कुछ तो बुरा हुआ होगा ना आपकी लाइफ में, उसे सोचे शायद आपको रोना। लेकिन मेरे साथ तो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, मैं क्या सोचूं? अरे फकरी, इनमें से तो किसी को भी एक्टिंग करनी नहीं आती। अगर हम लोग सही से नहीं रोए तो इन्हें शक हो जाएगा। चलो रो जल्दी। हमारी होने वाली बहू आ गई, देखो तो उसे रोना आता है, बहुत चला। हाँ ठीक है मिस्टर फकरी, मैं तो रो लूंगी, लेकिन आप क्यों नहीं रो रहे हैं? रो तो रहे हैं, दिखाई नहीं देता, कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए रोने की। बहुत अच्छा था यार, बासित बिल्कुल मेरे भाई जैसा था, ना जाने क्या बात खा गई उसे। हाँ दौरान, क्या तुम भी रो रहे हो? कैसे कर रहे हो ये सब? रोना शुरू कर दो तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। यार जाली उसका एक्स हस्बैंड था, वो भी यहाँ आएगी? चलो रो जल्दी। लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूँ? ठीक है तो फिर मेरी तरफ मुकर लो। रो यार जल्दी, रो लो, देख रहे हैं तुम्हें। रहमत, हाँ मैं इस औरत को शायद जानती हूँ, कौन है ये? हाँ तुम इसे जानती हो, ये तुम्हारे फादर की फ्रेंड है। यही वो मनहूस औरत है जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वाकई? हाँ। अरे फखरी देखो, इन्हें तो रोना भी नहीं आता, कुछ करना होगा हमें। तो अब जबकि तुम लोगों को रोना नहीं आता, तो फिर वो करो जो तुम लोगों को आता है। क्या मतलब? किस चीज की बात कर रहे हैं? मुझे क्या करना आता है फखरी भाई? जाओ जाकर उस औरत पर हमला कर दो। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल जाओ जाकर हमला कर दो उस औरत पर। तुरान भी मैं तो जाके कर रही हूँ फिर। चलो ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? अरे बात सुनो, कहाँ जा रही हो? याले ऐसा मत करो यार, इतना सब कुछ करने के बाद तुम यहाँ कैसे आ सकती हो बताओ मुझे? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ पर आने की? यार क्या तरीका है बात करने का? शिराज मेरे बेटे का बाप था, तुम लोग क्या लगते हो उसके? बात तो सुनो जरा इस औरत की। हाँ यही है वो औरत जिसकी वजह से बासत की मौत हुई, तुम हो कसूरवार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बोलो ताकि सब लोग सुन ले, ये मक्कार औरत, इसकी वजह से मेरी दोस्त शादी के पहले ही दिन बेवा हो गई है, सिर्फ इसकी वजह से। आज फिजा आपा की जो हालत है उसकी भी जिम्मेदार तुम ही हो। जबान संभाल के बात करो। हाँ तुम लोग रुको जरा, मैं बताती हूँ इस औरत को। हूँ कोई चीज नहीं है तुम लोगो में, जाहिल कहीं के बेहतर होगा। हाँ, चली जा, वैसे जा रही हूँ मैं, तुम जैसे जा रही हो बेहतर रहेगा। कहना चाहिए था, दफा हो जाओ यहाँ से। चली जाओ और कभी वापस मत आना हमारे सामने, कभी मत आना हमारे सामने, दफा हो जाओ। मुझे ये औरत, दफा। अरे बस ठीक है भाभी, जाने दें। वैसी हो रहमत, मुझे नहीं पीछे जा रहा। हाँ जाएं, अरे इस शक्ल मत दिखाना दोबारा। आई बड़ी ये मैंने फिल कर दिया है, आप देख लें। ठीक है जी, ठीक है। एग्जाम्स की डेट के लिए आपको इतला दे दी जाएगी। समझ गई मैं। अच्छा बात सुनिए, अगर मैंने ये एग्जाम्स पास कर लिए तो मैं ग्रेजुएट तो हो जाऊंगी ना? जी जी बिल्कुल जी। ठीक है, उम्मीद है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब ढूंढने में इतना मसला नहीं होगा। अगर आपको नौकरी की तलाश है तो हमारे बोर्ड पैनल पे कुछ जॉब्स हैं, आप वो देख सकती हैं। जी थैंक यू। आप प्लीज मेरे साथ आइएगा, सामान लाने में मुझे मदद चाहिए होगी आपकी। सुरैया कहाँ हैं आप? सुरैया, आप आ गई मैडम?
शिराज को ले आए, हमें जाना है। ठीक है मैडम। इसे टैक्सी में रखे, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। चलें जल्दी करें, हमें देर हो रही है। क्या हम लोग जा रहे हैं? हाँ मेरी जान, हाँ हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? नहीं हूँ गुस्सा मेरी जान, बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा। चलो आप भी अपने घर चली जाइएगा, मैं घर को लॉक करवा दूंगी। ठीक है नेहा मैडम। नेहा मैडम, नेहा मैडम, ये आपके लिए कोई एनवलप दे गया है और शायद कुछ चीजें भी हैं इसमें। हेलो बासित, बहुत मुबारक हो तुम्हें, नेहा चली गई है। हाँ, क्या वाकई में चली गई? हाँ चली गई, अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे जाते हुए। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ तुमसे। रुको रुको रुको, तुरंत शिराज कैसा है? शिराज ठीक लग रहा था मुझे, अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे तो यही लग रहा होगा कि वो घूमने जा रहा है, और इसके अलावा वो और क्या समझ सकता है? जाहिर है छोटा बच्चा है यार, अभी तो मैं कर भी नहीं सकता कुछ, पहले थोड़े हालात ठीक हो जाने दो, फिर ही कोशिश करता हूँ उसे कांटेक्ट करने की। हाँ ठीक कह रहे हो तुम अपने बेटे को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हो। चलो ये मामला ठंडा हो जाए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो ठीक है फिर तुरंत, शुक्रिया। कोई बात नहीं यार, फिर मिलते हैं। मेरे प्यारे बेटे, आई मिस यू, बहुत प्यार करते हैं बाबा आपसे। अम्मी क्या आप अभी तक गुस्से में हैं? नहीं मेरी जान, नहीं हूं गुस्से में। जानते हम थोड़ी देर में प्लेन में बैठे होंगे और कितना मजा आएगा हम लोगों को। क्या हम लोग बाबा से वहीं पर मिलेंगे? नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। ये क्या है? अम्मी ये क्या है? दांत है लेकिन तुम्हारे बाबा का नहीं हो सकता। बेल्ट बकल, रिस्ट वॉच, सोने का दांत। सोने का दांत? मोहतरमा, तुम हमारी इस जॉब पे पूरी नहीं उतर रही। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो किसी छोटे होटल्स का इंतखाब करती। आपने अपनी फाइल पे नजर डाली है जो यहां काम करने चली आई? चलिए जाइए अब यहां से।
अरे ये तो रोती हुई आ रही है। अब समझ आया है कि इधर जॉब क्यों नहीं मिलती है। क्यों, क्या हुआ है? मैंने इनके बारे में सुना था, बहुत सख्त औरत है ये। मिस फिजा आइए प्लीज। मेरे ख्याल से तुमने गलत फॉर्म भर दिया है। जाइए वेट्रेस का फॉर्म भर के लाइए। हाँ नहीं, मैंने दरअसल यहाँ पर मैंने वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। तुमने हाई स्कूल तक पढ़ा है तो इस लिहाज से मेरा तुम टाइम जाया ना करो और वेट्रेस का फॉर्म भर दो। हाँ मगर मुझे लगता है कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ, आप मुझे एक मौका तो देकर देखें। तुमसे पहले यहाँ जो लड़की बैठी हुई थी उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, उसे हायर नहीं किया मैंने। जी आप सही कह रही हैं, मगर मैं अपना बिजनेस खुद मैनेज करती थी तो इसलिए एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरा मतलब है अपने छोटे से बिजनेस की सारी मैनेजमेंट मैंने ही संभाली हुई थी। मैं ग्रेजुएट भी हो जाऊंगी जल्दी, यकीन दिलाती हूँ कि शिकायत का मौका नहीं दूंगी, तो प्लीज आप मुझे एक चांस तो देकर देखिए। चांस तो तुम्हें, क्या अंदर आने से पहले कोई चैरिटी बोर्ड लगा था बाहर जो हम यहाँ हर किसी को चांस देते फिरे? मेरी बात सुनो, ये होटल इस्तांबुल के 10 बड़े होटल्स में से एक है, यानी हम यहाँ किसी भी ऐरे गैरे शख्स को जॉब नहीं दे सकते। चलिए जाइए अब यहाँ से। मैं पहले भी ऐसी जगह काम कर चुकी हूँ और ऐसी जिम्मेदारियां उठा चुकी हूँ, यानी अपने क्लाइंट से बात करने के लिए या फिर अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी का ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है। मुझे तो हैरत है आपकी सोच पर। अरे वाह, तुम यहाँ मेरी ही असिस्टेंट बनने आई हो और मेरी ही सोच पे शक कर रही हो, ऐसा ही है? हैरत है, तुम्हारी जनरेशन का यही तो मसला है, खुद को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझते हो। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम जैसी हजारों लड़कियां इस जॉब के लिए इंतजार कर रही हैं। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्पेशल समझती हो, मगर ये गलत फहमी है तुम्हारी। चलो अब जाओ यहाँ से। मिस गुलनार आप आ जाइए। एक मिनट रुकिएगा, आपने तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं की है। आप ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये बिल्कुल नाइंसाफी है। मेरी बात सुनिए मैम, मैं अपना पूरा घर खुद अकेले संभालती हूँ। जानती है 5 बहन भाई हैं मेरे, जिनकी जिम्मेदारी आपकी जॉब से कई ज्यादा है, यानी इस जॉब के लिए मैं सूटेबल हूँ, मगर अपनी महदूद सोच की वजह से आप ये नहीं समझेंगी। हटो,